दोस्तों, जब भी हालात बदलते हैं, इंसान हमेशा अपने पुराने वक्त को भूल जाता है, अपने पुराने दर्द को, मुसीबतों को भूल जाता है। कुछ ही लोग होते हैं जो अपने पुराने वक्त को याद रखते हैं। ऐसी ही एक कहानी मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो आप में से कई लोगों ने शायद सुनी भी होगी। ये कहानी है उस अंधी लड़की की, जो पैदा होने के बाद से ही देख नहीं पाती थी। उसको अपनी उस हालत से नफरत थी, उसको हर उस इंसान से नफरत थी जो उसे महसूस करवाता था कि वो अंधी है। उसका एक बॉयफ्रेंड था जो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो लड़की अपनी जिंदगी में सिर्फ उसी एक इंसान को प्यार करती थी। लड़का भी उससे बहुत प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था, पर वो लड़की की एक ही कंडीशन थी, वो उससे शादी तभी करेगी जब वो देख पाएगी, जब उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी। और अचानक कुछ दिनों बाद उस लड़की को एक डोनर मिल जाता है जो उसे अपनी आंखें दे देता है, और उसके बाद वो सब कुछ देख पाती है। जब उस लड़की का बॉयफ्रेंड उसको मिलने आता है और उससे पूछता है, क्या तुम उससे शादी करोगी, तो वो देखती है कि वो लड़का भी अंधा होता है, वो भी नहीं देख पाता। वो लड़की शॉक्ड हो जाती है और उसे साफ मना कर देती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि तुम देख ही नहीं सकते। वो लड़की उसे साफ मना कर देती है शादी करने के लिए। वो लड़का वहां से चला जाता है। बाद में उसी हॉस्पिटल का डॉक्टर आकर उस लड़की को एक खत देता है। ये खत उसके उसी बॉयफ्रेंड की तरफ से होता है, जिसमें लिखा होता है, प्लीज टेक केयर ऑफ माई आईज। और वो डॉक्टर बताता है कि उसी लड़के ने तुम्हें अपनी आंखें देकर तुम्हें आज देखने लायक बनाया है। ये किसी एक की नहीं, हम सब की कहानी है। हम सब अपने पुराने वक्त को भूल जाते हैं, पुरानी मुसीबतों को भूल जाते हैं, अपने पुराने हालातों को भूल जाते हैं। पर याद रखें, हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। हमेशा अपनी जिंदगी में हम्बल रहें, दूसरों की सिचुएशंस के लिए थोड़ा सा सेंसिटिव रहें। ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है। इस जिंदगी ने, इस नेचर ने आपको बहुत कुछ दिया है। हर उस चीज का आनंद लें, हर उस चीज को एंजॉय करें, पर कभी किसी का दिल मत दुखाएं। जिंदगी के लिए हमेशा थैंकफुल रहें, कभी किसी के बारे में गलत मत बोलें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोल ही नहीं पाते। कभी भी खाने का अनादर मत करें, कभी भी खाना फेंके मत। बहुत से लोग ऐसे जिन्हें रोज खाना मिल भी नहीं पाता। परिवार वालों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, भाई बहनों के साथ, माँ बाप, पति पत्नी, सबको मिलकर रहना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिंदगी में अकेले हैं, उनके पास कोई बात करने वाला भी नहीं है। आपको अपनी जिंदगी से शिकायतें हैं, याद रखना, कुछ लोगों को ये जिंदगी पूरी जीने का मौका भी नहीं मिला, छोटी सी उम्र में इस दुनिया से चले गए। तो जो भी वक्त आपके पास है, जो भी जिंदगी आपके पास है, उसे जी भर के जी लें। हर वक्त को अपने अपनों के साथ प्यार से बिताएं। बच्चों से परेशान हैं, बच्चे शरारती हैं, याद रखें, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी एक बच्चे के मुंह से मम्मी पापा सुनने के लिए बेचैन हैं। कभी आपको तकलीफ है कि आपके पास नए कपड़े नहीं हैं, तो याद रखें, दुनिया में अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर लोगों को तन ढकने के लिए एक कपड़ा नसीब नहीं होता। तो जो भी आपके पास है उसमें खुश रहें। घर छोटा है, बड़ा घर चाहिए, ख्वाहिशों की कोई लिमिट नहीं होती। पर हमेशा ये याद रखें, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास सर ढकने के लिए एक छत भी नहीं है। आपको आपकी नौकरी पसंद नहीं है, आपको अपने काम से नफरत है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेरोजगार बैठे हैं, एक काम की तलाश में हैं। कभी भी अपने काम के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करें, अपनी जॉब की रिस्पेक्ट करें। अगर आपको वो काम पसंद नहीं है, वो जॉब पसंद नहीं है, तो आज ही डिसाइड करें कि आपका गोल क्या है, आपको करना क्या है जिंदगी में, और उसके लिए कदम बढ़ाएं। किसी दूसरे की तरफ उंगली उठाने से पहले याद रखें कि चार उंगलियां आपकी खुद की ओर होती हैं। हम सब ने गलतियां की हैं, हम सब ने मिस्टेक की हैं, कोई भी यहाँ पर दूध से धुला नहीं है। और जब भी कभी आप उदास हो जिंदगी में, ऑलवेज पुट अ स्माइल ऑन योर फेस, अपने चेहरे पर एक स्माइल रखें एंड थैंक्स टू गॉड, शुक्रिया करें उस भगवान का कि आप अभी भी जिंदा हैं और अपने परिवार वालों के साथ हैं। लाइफ इज अ गिफ्ट, लिव इट, एंजॉय इट, सेलिब्रेट इट एंड फुलफिल इट, बट जस्ट नेवर लेट इट पास। हर उस चीज की कीमत को समझें जो आपके पास है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आई एम योर होस्ट रवि सोमवंशी, साइनिंग ऑफ नाउ फ्रॉम दिस वीडियो ब्लॉग रीथिंक मोटिवेशन। सी यू नेक्स्ट टाइम।